मैं रेखा, मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज सुपर रसोई में क्या बना है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए राजस्थानी डिश लेकर आई हूँ। बाजरे का चूरमा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। और ये राजस्थानी बाजरे का चूरमा है, जिसे अलग तरह से बनाया मैंने। आप राजस्थानी चूरमे की बर्फी भी बोल सकते हैं इसे, या कतली भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए, और एकदम हेल्दी, बहुत ही हेल्दी है ये। ग्लूटेन फ्री वाली मिठाई है, सर्दियों में इसे ज़रूर बनाइए। और चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए, इस बाजरे की मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप बाजरे का आटा लिया है। और ये आटा मेरा थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दाने दाने से हैं इसमें। और ये क्योंकि हम रोटी बनाते हैं, जो आटा नहीं है ये मैंने अलग से पिसवाया है। आप बोलेंगे कि चूरमे का आटा जो बनता है, लड्डुओं का आटा जो बनता है बाजरे का, तो आप चक्की वाले को बोलेंगे तो पीस के दे देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप रोटी बनाने वाले आटे से भी ये मिठाई बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच इसमें देसी घी डालूंगी मेल्ट करके, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे मिला लिया है मैंने अच्छे से, और इसका आप आटा लगाएंगे। आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। और इसका आटा लगाने के लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ले रही हूँ, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा लगा लेंगे। तो देखिए, आटा मैंने लगा लिया है, अब हमें क्या करना है। और देखिए, आटा मेरा मोटा वाला आटा है, आपको दिख रहा होगा इसमें दाने दाने से हैं। तो आप सादा आटे से भी बना सकते हैं इसके। इस तरह से हमें गोले बना लेने हैं, ये देखिए। इनको हम सेकेंगे, और सेकने के लिए मैंने बाटी मेकर लिया है, जिसे मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे इसके। तो देखिए, इस तरह से मैंने सबके बना लिए हैं, और अब इन्हें सेकने के लिए रखते हैं। तो बाटी मेकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसे हम सबको एक एक करते हुए इसमें रख देंगे, और इसे अलग पलट करते हुए पकाएंगे। और इसे पकने में 20 से 25 मिनट लग जाएगी, और आप देख लीजिएगा, अगर नहीं पके हों तो आप और पका लीजिएगा। मैं इसे अलट पलट करते हुए 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी, और 10 मिनट तक हमें इसे अलट पलट करते हुए ऊपर से अच्छे से इनकी सिकाई करनी है। और उसके बाद में हम इसे स्लो करके, गैस को यानी कि स्लो करके छोड़ देंगे। उसके बाद बीच बीच में देखते रहेंगे, पहले ऊपर से इसको सेकना है। तो देखिए, ये ऊपर से सिक चुके हैं, और मुझे इसे 10 मिनट लगी है ऊपर से सेकने में। और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो पे करके छोड़ दूंगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देखिए, अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे इसमें क्रैक्स आए हैं। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं, और हमें इन्हें तोड़ कर ठंडा करना है। ये देखिए, अंदर तक कितने अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए, और इन्हें तोड़ कर हमें पीस लेना है। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पीस लूँगी थोड़ा सा मिक्सी में डालकर। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है इस तरह का, मिक्सी में डालकर पीसा है, ये देखिए। तो चलिए, अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी, बस ज़्यादा पानी नहीं लेना है हमें। और यहाँ पर मैंने 2 कप गुड़ लिया है, उसे इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसे चीनी भी बना सकते हैं, लेकिन ये मिठाई गुड़ में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ 3 कप आटा लिया था और 2 कप मैंने गुड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी इसमें डाल रही हूँ, और इसे मेल्ट करती हूँ, लेकिन बिल्कुल सिंपल, तेज मत कीजिएगा गैस को, क्योंकि हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस इसे पिघलाना है। तो देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छे से, और अब हमें क्या करना है, जो हमने ये बुरादा बनाया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और बादाम, उन्हें इस तरह से बारीक पीस किया था, थोड़ा दरदरा सा। और यहाँ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिए है इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और 2 चम्मच देसी घी हम और डाल रहे हैं इसमें। और ये देखिए, हमारी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, और ये पैन को छोड़ने लगी, यानी कि कढ़ाई को छोड़ने लगी है, देखिए।
अगर आपको घी और चाहिए तो आप घी डाल सकते हैं, बट इसमें काफ़ी घी डाल दिया है मैंने। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो यहाँ मैंने थाली ली है और थाली में मैंने घी लगा दिया है अच्छे से, इसी में हम इसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से फैला देंगे और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है और बहुत ही कम घी में बनकर तैयार होती है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और अलग ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पर काजू और बादाम भी पसंद करते हैं बच्चे, बस इसलिए मैं यही डालती हूँ। आप किशमिश भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसे सेट कर देंगे और ड्राई फ्रूट से इसे थोड़ा गार्निश कर देते हैं। और यहाँ मैंने नारियल का बुरादा भी लिया है, उससे भी मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें इसे कट ही लगाना है, बस कट लगाकर इसे 1-1.5 घंटे के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर आप इसे स्क्वायर में काट सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा काट सकते हैं। मैं इसे गोल काट रही हूँ, तो मैंने यहाँ एक इस तरह से डब्बा लिया है, उसे इस तरह से देखिए इस तरह से कट लगाकर मैं छोड़ दूंगी इसे, और 1-1.5 घंटे के लिए छोड़कर फिर उसके बाद में आप खा सकते हैं इसे। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।